देखो तो महारानी को, यहाँ बैठ के खाना खा रही है, शर्म नाम की कोई चीज है नहीं तेरे अंदर। चल उठ खड़ी हो। अरे 10 दिन के अंदर तो मेरे बेटे को खा गई और यहाँ बैठ के खाना खा रही है। अरे मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया और तुझे बोला था ना कि किचन में बर्तन साफ करने के लिए, और यहाँ बैठ के तू खाना खा रही है। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, माँ जी ने क्या बोला था कि विधवा को जमीन पे बैठ के खाना खाना होता है, वो शर्म है कि नहीं तेरे अंदर? बाबूजी मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं नीचे बैठ के ही खाना खाऊंगी, इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। चल जा पहले किचन के अंदर बर्तन साफ कर, फिर आके खाना खाइयो। चल जा जान। अब आपको पता है मुझे बाबूजी की किसी बात का बुरा नहीं लगता, सिवाय एक बात का, जब वो मुझसे ये कहते हैं कि मैं आपको खा गई। अरे मैं आपको कैसे खा सकती हूँ, मैं तो आपसे प्यार करती थी, बेशक हमारा साथ कुछ ही दिनों का था, पर वो मेरे लिए मेरी जिंदगी है और मैं उन्हीं पलों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जा मेरा खुश रहना। वाह महारानी जी के ठाठ तो देखो, सुबह के 8 बज गए और अभी तक इनकी नींद नहीं खुली। चल उठ। बाबूजी राजकुमारी के तो नखरे खत्म नहीं होते, क्या हो गया? बाबूजी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए लेट हो गया उठने में। मैं तो महारानी के ना नखरे सुन सुन के परेशान हो गया हूँ, घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा, क्या मैं करूंगा क्या? चलो उठना जल्दी कर, क्या पैरों में मेहंदी लगी है क्या? चल उठ। और हाँ पहले मुझे एक कप चाय बना के देना। अंजलि तुम, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है ना कि मेरे पीछे मत आया करो, फिर भी तुम मेरे पीछे आते हो, समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इसलिए तुम्हारे पीछे आता हूँ, या मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, समझती क्यों नहीं हो तुम? प्यार करते हो तुम मुझसे, तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी में ये सब हो गया है तो तुम्हें चांस मिल जाएगा? ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत पालना, मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ और उनकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सुनो प्रिंस, कान खोल के एक बात सुन लो, 1% भी ये मत सोचना अब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, ये गलतफहमी मत पालना। अरे मर गया है वो, अब भी तुम उसके प्यार में पागल हो, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? मरा नहीं है वो, शहीद हुआ है, शहीद इस देश के लिए, और आज भी वो मेरे दिल में जिंदा है। और सुनो, आज की बात तुम मेरे आसपास दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो अरे इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहां रह गई। आगे महारानी जी, कुछ शर्म वरम बची है कि नहीं बची? सुबह की गई गई, दोपहर हो गई है, कहां से मुकाला करा के आ रही है? अरे क्या बोलेंगे समाज के लोग। बाबूजी मैं तो सब्जी लेने गई थी और रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए टाइम लग गया, और मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर रही थी। रहने दे रहने दे, मुझे नहीं सुननी तेरी कोई कहानियां, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझ जैसी औरत को, कहीं रंगरलियां मना रही होगी किसी आशिक के साथ। बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर रही थी, आप मुझ पे विश्वास करिए, मैं ऐसा वैसा कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। बाबूजी मेरी बात तो सुनो। अब मैं ना तुझे इस घर के अंदर एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल मेरे घर। बाबूजी ऐसा मत करना, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? बाबूजी निकल। बाबूजी अभी के अभी निकल। बाबूजी चल।
बाऊजी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें हजार बार मना किया है ना, मेरे आसपास मत भटका करो, जाओ यहाँ से। अंजलि, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हें घर से निकाल दिया उन्होंने। तुम्हें सब पता चल गया है ना, पर तुम ये मत सोचना कि तुम अब मेरा सहारा बन जाओगे। मुझे तुम्हारे करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था मेरे साथ हो गया और जो आगे भी होगा ना मैं देख लूंगी। तुम बस जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जरूरत है तुम्हारी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ तुम्हारा सहारा बनने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक दोस्त के नाते आया हूँ अंजलि। और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रोड पे इधर उधर भटको। अंजलि प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि मैं गलत नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। जैसा तुम कहोगी ना वैसे ही होगा, लेकिन बस तुम मेरे साथ चलो। देखो प्रिंस, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, पर अगर तुम ऐसा वैसा कुछ सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम एक अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे दोस्त की तरह ही रहेंगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। ठीक है, लाओ ये मुझे दो, चलो। बेटा, एक बाप होने के नाते जो मैं अंजलि के लिए कर सकता था वो मैंने सब किया। आगे अंजलि की किस्मत, और मुझे पूरा यकीन है तू भी ये देख के खुश हो रहा होगा। प्रिंस, मैं अंजलि का ससुर। हाँ जी अंकल, पता है। बेटा तुम्हें तो पता ही होगा, अंजलि का पति और मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी अंकल, सुन के बहुत अफसोस हुआ था। अब क्या करें बेटा, नियति को तो नहीं टाल सकते। खैर छोड़ो, मुझे ना तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ जी अंकल, बोलिए। देखो प्रिंस, मुझे ना गलत मत समझना, मैं अपनी बहू का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। बेटा, शादी के 10 दिन बाद जिसका जवान बेटा गुजर गया हो, उस बाप पर क्या बीत रही होगी ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे तो उसके बगैर जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी। और बेटा, मैं चाहता हूँ अंजलि शादी कर ले, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता विधवा की ज़िंदगी क्या होती है, जीने से ज़्यादा मरना आसान लगता है। बेटा, जब भी मैं उस बच्ची की तरफ देखता हूँ ना, एकदम टूट सा जाता हूँ। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना चाहता हूँ। बेटा, मैं उसे खुशहाल देखना चाहता हूँ, और तुमसे अच्छा मुझे कोई नहीं मिल सकता। मेरी बेटी जैसी बहू का रिश्ता अपना लो। प्लीज़ अंकल, आप हाथ मत जोड़ो, क्योंकि आप जो चाहते हो वो भी मैं चाहता हूँ, लेकिन अंकल अंजलि नहीं मानेगी। बेटा, ये टेंशन तुम मुझ पर छोड़ दो, कभी कुछ अच्छा करने के लिए ना कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, वो मैं उठाऊंगा।